तो गाइस एक और जगह आ गई जहाँ पे इन दोनों को उतारना पड़ जा रहा है मुझे। तो ये रोड हमेशा खराब होती रहती है हर सीजन में, हर बरसात में। तो अभी हम लोग आए थे सब्जी तोड़ने के लिए और ये है देखो पहाड़ी लूणा। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हूँ मैं जमकू गांव में अपनी बुआ के वहाँ। ये है सामने घर और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। साथ में है मेरे आदि। आदि हेलो। और आदि का मुंह देखो ठंडे से फट के कैसा हो गया है। चलो अभी हम कहाँ जा रहे हैं आदि? बाइक को चेक करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ ऊपर गाड़ी खड़ी कर रखी है हम लोगों ने। चलो आराम से आराम से। अरे अरे तो यहाँ पे बाइक खड़ी कर रखी है हम लोगों ने। अच्छा हाथ दे, हाथ दे। तो ये है यार देखो सामने गांव की रोड। और बाइक लगाई थी हम लोगों ने यहाँ पे कल रात को। तो यहाँ पे बो रखे हैं गेहूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ पहाड़ों में खेती होती है। देखो बिल्कुल कहाँ कहाँ कोने कोने में गेहूँ है। कैसा लग रहा है गांव में? बढ़िया, मजा आ रहा है। गाइस अभी हम लोग है जमकू गाँव में अपनी बुआ के घर और ये है सामने बुआ का घर। और यहाँ से कुछ ऐसा है जमकू गाँव का नज़ारा। गाइस ये देखो कंटर में बोर की है स्ट्रॉबेरी। ये होता है स्ट्रॉबेरी का पेड़ और ये लगी हुई है एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी। और वहाँ भी है बाकी स्ट्रॉबेरी। और कहाँ है? वहाँ भी है ना। आदि ने खाई ना अभी स्ट्रॉबेरी, कैसी लगी? मीठी हो रही थी। मीठी हो रही थी ना। हाँ। चलो फिर अभी ऊपर चलते यहाँ से ऊपर। चलो चल चल चल, पैर रख ऊपर। शाबाश। तो यहाँ पे लगे हुए मटर, एक मटर खा के देखेंगे हम सुबह सुबह। ये पहाड़ के मटर ना बहुत मीठे होते हैं यार। तो यहाँ पे गोभी और ये आलू की खेती हुई है। तो ये है पॉली हाउस फूफा जी का। यहाँ पे है ये प्याज, ये है यहाँ धनिया और यहाँ पे पता नहीं क्या बो रखा है इन्होंने, इसकी नॉलेज नहीं मेरे को। आदि आ जा, आओ 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 जल्दी दौड़ के। आदि इसमें देखो कितने सारे पौधे हैं। तो अभी इसको कर देते हैं हम लोग बंद। तो यहाँ पे लगे हुए पहाड़ी चूक, छोटे छोटे से अभी। तो ये पॉली हाउस में अभी पौधे इसलिए रखे हुए क्योंकि यहाँ पे पड़ती है रात को बहुत ज़्यादा ओस, जिसको कह सकते हैं आप पाला, उस वजह से पौधे हो जाते हैं ख़राब। इसलिए यहाँ पे पॉली हाउस में इन सबको रखा जाता है। बाद में जब थोड़े से पौधे बड़े होंगे तो यहाँ पे खेतों में शिफ्ट किया जाता है इनको। और ये देखो यहाँ कुछ ऐसे है खेत। तो गाइज ये दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज़। तो ये है माल्टे का जूस, ये देखो। तो गाइज ये डाल दिया है हम लोगों ने इस बोतल में, थोड़ा सा शेक करेंगे इसको। कैसा हो रहा है? टेस्टी हो रहा है ना। हाँ। और इस लेवल तक यहाँ पे संतरे का जूस डाला जाता है, उसके बाद पूरा पानी भर दो, उसके बाद ऐसे ढक्कन लगा के शेक करो और पी जाओ। A few moments later. देख इधर देखो। क्या कर दो दादी को, उतर के कर, उतर के कर, पैर पे लगा कर। बाय बोल। बाय।
तो गाइस हम लोग पहुंचे हुए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे जमकू डैम का एक अच्छा सा व्यू आता है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यार, वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जमकू डैम, और वहाँ है सामने उस मेरी उंगली की सीध पे नारायण आश्रम, और इस साइड को चला गया पंचाचुली बेस कैंप। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ सामने ऊपर मंदिर पे। सो पहुंच चुके हैं अभी हम लोग जमकू के मंदिर पे। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक दिसाड़ी थी, और जिनको दिसाड़ी के बारे में नहीं पता उनको मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे दिसाड़ी थी और किसी कारणवश जो है मैं नहीं आ पाया, लेकिन हेमा और आदि आए। आदि और मैं जा रहे हैं यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ये है देखो सामने मंदिर। जय हो भगवान जी, बोल दो आदि। जय हो भगवान जी। तो ये है देखो सामने मंदिर, और अभी फिलहाल तो सब सामान वामान पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे है ये धाजे, और ये है सामने मंदिर का प्रांगण। यहीं पे जब छिपला होता है तो यहीं पे सब बढ़िया करके छोला वोला खेलते हैं। तो यार पहाड़ों के मंदिरों की एक खासियत होती है ना, जहाँ पे भी ऐसे मंदिर होते हैं ना उनके ऊपर इतने बड़े बड़े सारे पेड़ होते हैं ना, बहुत सही वाले। देखो ठंडी ठंडी हवा आती रहती। बाकी यहाँ से कुछ गांव का नज़ारा ऐसा है, वो सामने आपको छोटी सी रोड दिखाई दे रही होगी, बाकी वो सामने बह रही काली नदी, और वो है सामने जमकू का डैम। सो गाइस निकल चुके हैं अभी हम लोग अपने ससुराल से, और हेमा चले गई है आगे आगे, क्योंकि यहाँ से रोड देखो यार एक बार, यहाँ से गाड़ी नीचे उतारनी है। लेकिन यहाँ पे ना गाड़ी एकदम मुड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बैंड देख रहे हो कितना शार्प है, तो मेरे को उतर के ही सब कुछ करना पड़ेगा अभी। ओके, ऑल सेट नाउ। सबसे डेंजर जो चढ़ाई है वो ये वाली है, यहाँ से नीचे आपको खड़ी उतराई दिख रही होगी। कई बार यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी है, एक बार तो एक पिकअप ऊपर को आ रही थी और उसके बाद वो बैक चले गई क्योंकि चढ़ नहीं पाई ना, उसके बाद यहाँ से नीचे खाई में गिर गई और उसमें एक बंदे की मौत हो गई। हेमा को और आदि को उतार दिया है, और मैं अभी यहाँ से चलता हूँ धीरे धीरे। कैमरा ऑन रहेगा, देखते रहना सभी लोग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी नीचे, और यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, और वो देखो यार अगर आपको दिखाई दे रहा है तो हम लोग कहाँ से उतरे हैं, वहाँ ऊपर से ऐसी बिल्कुल खड़ी उतराई थी। अच्छा खासा तो वैसे पागल हो जाए यहाँ गाड़ी चलाने से। हिमा लोग कहाँ रह गए, हिमा लोग ये सामने आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ से चल रहे नीचे। इससे आगे का रास्ता ठीक है, उतना ख़राब नहीं है, लेकिन जो भी था यहाँ तक था। तो अभी नीचे रोड पर पहुँच के आपसे मुलाकात करते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं छिरकिला पे, और यहाँ पे एक मंदिर है, और यहाँ पे मंदिर पे पूजा करके हम लोग आगे जाएंगे। तो यहाँ पे है मंदिर, और ये है छिरकिला का पुल।
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तवा घाट से, थोड़ा सा आगे भाई साहब, वहां से लेके यहां पहुंचने तक ना मुंह का रंग ही चेंज हो गया, इतनी धूल क्या बताऊं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहां से धारचूला वापस। तो यार आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। सो दिस इज संदीप सिंह धामी शाइनिंग ऑफ फ्रॉम तवा घाट। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।